रहीम असल मेरे चैनल कानून क्या कहता है कि साथ हज़र हूँ दोस्तों हमारे मुल्क में निज़ाम अदल जिसकी इज़्ज़त तोिर ताज़ीम एहतराम हम सब पर ज़बरदस्ती रखी गई है चाहे हमारे मुल्क में बेगुना लोग जेलों में भड़े पड़े हों और इसके बरक्स जराय पेशा लोग गुंडे मवाली बदमाश आज़ाद हों या अगर गलती से पकड़े भी जाए तो आसानी से ज़मानतें लेकर फिर आज़ाद हो जाए अदलिया के खिलाफ इंसाफ के निजाम के खिलाफ बात नहीं की जा सकती ये जुर्म भी है ये गुनाह भी है चाहे वो दुनिया भर की रेटिंग के अंदर नीचे से चौथे नंबर पर आए लेकिन हमें हमारा बतौर मुसलमान यकीदा है कि हमारा एक ही लॉर्ड है लेकिन हमें कुर्सी पर बैठे हुए उस शख्स को माय लॉर्ड कहना होगा जज का काम फैसला देना नहीं होता है जज का काम होता है इंसाफ देना लेकिन जब यह इंसाफ अदालतों में बिकना शुरू हो जाए तो ये पैसे वालों की लॉन्डी बनकर रह जाता है बतौर एक वकील मेरा यह फ़र्ज है कि का कानून की बाला के लिए अदलिया की नेकनामी नामी के लिए जहत करूँ और वो लोग जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में कोई कानून नहीं है यहाँ पर अगर आपको इंसाफ लेना है तो अपने हाथ से छीन कर इंसाफ लेना होगा उन्हें यह कि ये जंगल का कानून नहीं है कि जिसकी लाठी उसकी बहस होगी यहाँ पर कानून है कॉन्स्टिट्यूशन है अदलिया है लेकिन जब खुद मुशाह करूं कि जज के नाक के नीचे बैठा हुआ अदालती अमला चाहे वो कोर्ट का स्टेनो हो चाहे वो कोर्ट का रीडर हो क्लर्क हो जज का ड्राइवर हो जज का चौकीदार हो बिना मेरिट के रिश्वतें देकर भरती हुए हैं और इनमें से आधे वो जो जज के भांजे भतीजे निकलते हैं और आधे वो जो जज के गांव वाले निकलते हैं और जज की ईमा पर पैसे खाते हैं रिश्वतें लेते हैं हराम खाते हैं उनके ऊपर बैठा हुआ जज क्या खाक इंसाफ देगा एक वकील बतौर ऑफिसर ऑफ आफ द कोर्ट अदालतों के अंदर अपने क्लाइंट को उसका हक दिलाने के लिए आता है इंसाफ हासिल करने के लिए आता है रिश्वतें देने के लिए पैसे खिलाने के लिए नहीं आता लिहाजा माजी में सियासी जमातों के अस्करी विंग का हिस्सा रहने वाले ये लोग जो अब अदालतों के अंदर अदालती अमला बन के भर्ती होकर आ गए हैं और जिनकी ईमां पर आकर बैठ गए हैं निज़ाम की बका के लिए इनका सफाया होना लाजमी है अदालत आलिया और अदालत उमा का ये बुनियादी फ़र्ज है कि अपनी मातहत निचली अदालतों में करप्शन का खात्मा करें आज की वीडियो देखने के लिए शुक्रिया इन अगली वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे तब तक के लिए अल्लाह हाफ